जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है दीपेश और आप देख रहे हैं टेक ट्यूटर्स का डिपार्टमेंट है माइनिंग सर्वे। और इस चैनल में आप लोगों को तो सिर्फ माइनिंग और माइनिंग सर्वे के रिगार्डिंग मिलने वाला एजुकेशन, लेकिन बहुत ही जल्दी टेक ट्यूटर्स के फ्रेंचाइजीज़ और भी लॉन्च होने जा रहे हैं, जिसमें आप लोगों को इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल, सिविल एट्सेट्रा के रिगार्डिंग जो कोचिंग्स हैं वो मिलेगी वेस्ट बंगाल डिप्लोमा एजुकेशन के रिगार्डिंग। तो आप लोग के आसपास जो भी आपके जान पहचान के दोस्त हैं उनको भी बता दीजिएगा, ठीक है, कि बहुत ही जल्दी ये जो है लॉन्च किया जाने वाला है, ठीक है। और आज का जो हम लोग का सब्जेक्ट है वो है लेवलिंग, जो कि बेसिक सर्वे 3 का एक सब्जेक्ट है। बेसिक सर्वे 3 जो है आपको पढ़ना पड़ेगा माइन सर्वेइंग में 4th सेमेस्टर में, ठीक है। लेवलिंग जो है पहला चैप्टर होगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देख लेते क्या है। हमारे पृथ्वी पे फिक्स्ड लेवल होता है, बहुत सारी जगहों पे फिक्स्ड लेवल किया हुआ है, एक निश्चित लेवल होता है जो कि हम पहले से जानते हैं उस लेवल को, उसको हम लोग डेटम कहते हैं, ठीक है। डेटम आगे मैं चल के आप लोगों को सब कुछ बताऊंगा, जो भी टर्मिनोलॉजी होती है लेवलिंग के रिगार्डिंग। आज जो है सिर्फ कॉन्सेप्ट समझेंगे हम लोग, क्या है लेवलिंग, उसके बाद टर्मिनोलॉजी जानेंगे, उसके बाद डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डेटम के रिस्पेक्ट में हमारे अर्थ सरफेस पे जो भी वर्टिकल हाइट्स होते हैं हम लोग उसका मेजरमेंट करते हैं, उसी को हम लोग लेवलिंग कहते हैं। और मेजरमेंट करने के बाद जो हम लोगों को स्टेशंस मिलते हैं कितने हाइट पर हैं, उनका उस जो डेटा होता है उसका यूज़ करते हैं हम लोग कोई भी इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट में, इंजीनियरिंग डिज़ाइन करने के लिए, जैसे कि रोडवेज अगर बनाना होगा या फिर हम लोगों को एरोड्रम बनाना होता है, उनको लेवलिंग का प्रोसेस करना पड़ता है, चाहे वो डैम बनाने के लिए हो, चाहे रोडवे बनाने के लिए, एटसेट्रा, ठीक है। ये जो आप इमेज देख रहे हैं जहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है लेवल लाइन मेन सी लेवल, और मेन सी लेवल जो है इसी को हम लोग डेटम कहते हैं, ये वाला एरिया को। लेकिन इसके बारे में आपको मैं सबको समझाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट्स यूज्ड, जो भी इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ किए जाते हैं सर्विंग में, कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हैं ये देख लीजिए। ये जो पहला है डंपी लेवल, दूसरा है टिल्टिंग लेवल, 3 नंबर है ऑटो लेवल, और 4 नंबर है पैरेलल प्लेट माइक्रोमीटर, और 5वां है डिजिटल लेवल। ये जो है ये सीक्वेंस में लिखे गए हैं, जिससे कि आप लोग जो जैसे जैसे यूज़ हुआ है, जैसे सबसे पहले डंपी लेवल का आविष्कार हुआ इसलिए सबसे पहले डंपी लेवल का यूज़ हुआ, फिर टिल्टिंग लेवल का आविष्कार हुआ, फिर टिल्टिंग लेवल का यूज़ हुआ, इस तरह से सीरीज में लिखा हुआ जनरेशन में, पहले जो आया उसके बाद जो आया उस तरह से यहाँ पर लिख दिया गया। तो ये जो इंस्ट्रूमेंट्स है घबराने की जरूरत नहीं है, देखने में लग रहा है हाईटेक, ये हर एक के बारे में मैं बताने वाला हूँ नेक्स्ट आने वाले वीडियोज़ में लेवलिंग में, कि ये कैसे बनते हैं, इसमें पार्ट्स क्या है, क्या क्या यूज़ होता है, किस तरह से यूज़ करते हैं, कौन कौन से जो ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर है, ज्योग्राफिकल रिक्वायरमेंट है जहाँ पर इस तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है। और इन सबको यूज़ करने के लिए एक ट्राइपॉड की ज़रूरत होती है, जिसके ऊपर में इसको फिक्स करते हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा इस साइड में, यहाँ जो आप दिख रहे हैं ना, यहाँ ट्राइपॉड है, ट्राइपॉड के ऊपर जो है इस तरह से यहाँ पर मशीन को फिक्स किया जाता है, घुमा घुमा के स्क्रू के द्वारा टाइट करके उसके बाद इसको यूज़ किया जाता है। और उसके साथ साथ हम लोगों को लेवलिंग के लिए कुछ स्टाफ्स की ज़रूरत होती है, जिसको हम लोग लेवलिंग स्टाफ भी बोलते हैं। यह जनरली 3 तरह के होते हैं, मेट्रिक और ब्रिटिश और सेल्फ रीडिंग। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सबसे लेफ्ट साइड में ये वाला जो सेक्शन है ये है ब्रिटिश स्टाफ, उसके बाद ये है मेट्रिक स्टाफ, और ये है सेल्फ रीडिंग स्टाफ। अभी आप देख के रख लीजिए स्टाफ क्या है, यहाँ डिफरेंस आपको दिखता होगा, लेकिन तब भी जो है आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा अभी डिफरेंस। ये जो होता है हर एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में, चाहे वो डंपी लेवल हो या टिल्टिंग लेवल हो या फिर ये स्टाफ की हो, स्टाफ हो, ये सारे के मैं अलग से सेपरेट वीडियो बनाने वाला हूँ डिटेल्ड में, जिसमें आप लोगों को सब कुछ समझ में आएगा कि कैसे हम लोग लेवलिंग करते हैं और कैसे हम लोग इसमें रीडिंग्स लेते हैं, ठीक है। अभी आप जान के रखिए जो बेसिक्स होता है, क्योंकि आपको कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछने में आ जाता है एग्जाम्स में, चाहे आप डिप्लोमा में रेगुलर में एग्ज़ाम दीजिए या फिर कॉम्पिटिटिव में एग्ज़ाम दीजिए, हो सकता है पूछ लेगा कि आपको लेवलिंग में कौन कौन से टाइप के स्टाफ होते हैं। तो आप लोगों को यहाँ पर याद रखना चाहिए कि मेट्रिक, ब्रिटिश और सेल्फ रीडिंग। तो आप लोग इसको अभी याद रखिए कि इसमें 3 तरह के स्टाफ होते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्या है लेवलिंग का, द पर्पज ऑफ लेवलिंग इज टू डिटरमाइन रिलेटिव हाइट्स ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट ऑन और बिलो द सर्फेस ऑफ द अर्थ टू डिटरमाइन द अंडुलेशन ऑफ द ग्राउंड सर्फेस। जैसा कि मैंने सबसे पहले बताया था इंट्रोडक्शन में, वही इसका कॉन्सेप्ट है कि किसी भी फिक्स्ड लेवल में के रिकॉर्डिंग या फिक्स्ड लेवल या जिसको हम लोग डेटम कह सकते हैं, डेटम के रिस्पेक्ट में अर्थ सर्फेस के ऊपर या नीचे जो भी हाइट होता है वर्टिकल हाइट, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर यह पहाड़ वगैरह, इसका तो कुछ एक तो हाइट होता है, इसको यहाँ पर देखिए डायग्राम में बता दिया गया, इसलिए जो हाइट है इस तरह के हाइट्स को हम लोग को पता करना कि किसका हाइट का लेवल क्या है, ठीक है, हम लोग इसको जनरली लेवलिंग कहते हैं। यूजेस ऑफ लेवलिंग, लेवलिंग का सबसे पहला यूज होता है कंटूर मैप्स बनाना, ठीक है। जैसे कि आप लोगों में से बहुत कोई को कंटूर मैप्स समझ में नहीं आता होगा, लेकिन अभी जो है आप 4th सेमेस्टर में अगर अभी अभी आए हैं तो आप लोग धीरे धीरे समझ में आने वाला, क्योंकि अभी तो ये पहला चैप्टर है। कंटूर मैप क्या होता है, कोई भी जब हम लोग सर्विंग करते हैं तो उसके बाद जब हम लोग को प्रोजेक्ट बनाना पड़ता है, चाहे वो
डैम्स के लिए हो, रिजर्वेयर्स के लिए हो, रोडवेज़ के लिए हो, या फिर कैनल जो होता है इरिगेशन कैनल के लिए, तो हम लोगों को कुछ इस तरह का मैप्स डिज़ाइन करना पड़ता है जो कि जियोग्राफिकल स्ट्रक्चर को बताता है, लेवलिंग को बताता है। इस तरह से हम लोग लेवल चेक करते हैं कि उस जगह, वो जो जगह है वह कितना लेवल है, और हम लोग जो भी प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर वह सूटेबल है कि नहीं, और सूटेबल नहीं है तो किस तरह से उसको बनाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से देखिए यूजेस ऑफ लेवलिंग किस लिए करते हैं, डैम्स बनाने के लिए जैसा कि आपको इमेज में दिख रहा है, हाईवेज बनाने के लिए, रोड्स एरोड्रम्स बनाने के लिए, और जो ट्रेन्स होते हैं, ट्रेन्स का जो पटरी होता है, रेलवे ट्रैक्स बिछाने के लिए, क्योंकि ज़्यादा अगर पहाड़ी एरिया में अगर तुरंत ही हाइट पकड़ देंगे तो ट्रेन इतना भारी होता है कि वो हाइट पर उतना चल नहीं पाएगा, तो उसको धीरे धीरे एक सर्टन एंगल में धीरे धीरे घुमाया जाता है और उसको हाइट बढ़ाया जाता है, तो एक उसके लिए भी लेवलिंग की ज़रूरत होती है। फिर साथ में अगर किसी जगह पर मिट्टी भरना होता है तो आपको देखना पड़ेगा, जैसे मिट्टी भर के लेवल किया जाता है तो आपको चेक करना पड़ेगा कि कितना मिट्टी वहाँ लगने वाला है, तो ये सब कामों के लिए जो है लेवलिंग का यूज़ किया जाता है। इसके साथ साथ जो भी हाईली एरिया होते हैं, हिली हिल्स के अल्टीट्यूड्स को जानने के लिए, क्योंकि मान लीजिए हमारे जो भारतीय सेना है, थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, उनको पहाड़ों पर जाना होता है तो वो लोग कैसे डिटरमाइन कर पाएंगे कि हम कितना हाइट पर हैं, तो उसका अल्टीट्यूड को जानने के लिए हम लोगों को लेवलिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करना पड़ता है, तब वो जो है उस हिसाब से वो लोग तैयारी करते हैं कि इतना हाइट पर जाएंगे, तो इस तरह का हम लोग को अपने साथ तैयारी करना पड़ता है। तो लेवलिंग जो है आम ज़िंदगी में बिना लेवलिंग के कोई काम नहीं हो सकता है। अब जैसे कि एरोड्रम और रोड अगर बनाते हैं तो उसके लिए हम लोगों को क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की ज़रूरत पड़ती है। ये इंजीनियरिंग स्टूडेंट लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्ट ईयर में ही जब वो लोग ड्राइंग शीट बना रहे होंगे तो उन लोगों को पता होगा कि क्रॉस सेक्शनल और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल क्या किसे कहते हैं। अगर तब भी नहीं समझ में आ रहा तो जैसे कि मान लीजिए ये जो रोडवे है ये सीधा जैसे कि ऊपर से दिख रहा है, तो ये हुआ आपका लॉन्गिट्यूडनल सेक्शनल। अब इसको अगर मान लीजिए हम लोग थोड़ा सा कट कर देते हैं यहाँ से और यहाँ से, और फिर इसको 3D लुक में अगर बनाने की कोशिश करते हैं तो कुछ इस तरह का अगर लुक आता है, तो फिर इसको हम लोग कहते हैं क्रॉस सेक्शन। ठीक है, हम लोग मतलब कि एक होता है टॉप व्यू, एक होता है साइड व्यू, लेफ्ट व्यू, तो उस तरह से हम लोग क्रॉस सेक्शन जब करते हैं तो हम लोग टॉप व्यू से नहीं देखते हैं, तो हम लोग साइड व्यू, लेफ्ट व्यू से इस तरह से देखते हैं, 3D टाइप में हम लोग को देखने को मिलता है। ठीक है, तब भी अगर नहीं समझ में आएगा तो बोलिएगा, कमेंट करिएगा, क्रॉस सेक्शन और लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन पर अलग से लेक्चर बना दूंगा मैं। इसके बाद होता है वाटर सप्लाई ड्रेनेज सिस्टम के लिए, या फिर सैनिटरी जो होता है वाटर सप्लाई। शहरों में जब आप रहते हैं तो आप लोग कभी तो सोचोगे आप लोग कि घर में आप लोगों का जो पानी आता है वह तो आपके घर में डायरेक्ट नहीं आता है, एक डैम होता है, डैम से पाइपलाइन के थ्रू टंकी में आता है, जो आपके घर के आसपास जो वाटर टैंक होता है, वाटर टैंक से फिर आपके घर में आता है, फिर आप जो घर में आप ना घर के आसपास जो बाहर में नालियाँ होती हैं वहाँ पर जो पानी आप लोग फेंकते हैं, जो कचरा फेंकते हैं, वो बहकर ड्रेन्स में चला जाता है। क्यों जाता है, उसके लिए भी लेवलिंग की आवश्यकता होती है। हम लोग ऐसे जानते हैं कि पानी जो होता है अगर ऊंचाई से अगर हम लोग उसको छोड़ते हैं तो नीचे इधर डाउन होता है, उस तरफ बहता है, तो हम लोग क्या करते हैं जैसे जब भी किसी कॉलोनी में हम लोग को पानी पहुंचाना होता है तो फिर हम लोग जो होता है हाइट में वाटर टैंक लगाते हैं। जैसे कि आप लोग जानते होंगे आपके घर में अगर वाटर टैंक होगा तो आपने देखा होगा कि आपने छत पर लगाया, क्यों, क्योंकि छत पर लगाएंगे तो डाउन में अगर नीचे पानी लाना है तो छत से डायरेक्ट नीचे पानी चलाएगा, क्यों, क्योंकि आपने लेवलिंग कर रखा है वाटर लेवलिंग। उसी तरह से पूरा एक एरिया में भी वाटर सप्लाई के लिए वाटर लेवलिंग किया जाता है, जिससे कि हम लोग चेक कर सके कौन से एरिया में कितना हाइट पर पानी पहुंचाया जा सकता है, या फिर पहुंचाने के लिए अगर मोटर की आवश्यकता होती है, जनरेटर की आवश्यकता होती है तो कितना लगेगा। तो कुछ इस तरह से जो है आम जिंदगी में लेवलिंग का बहुत सारा यूज़ होता है, विदाउट लेवलिंग जो है हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते। तो अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करिए, दोस्तों के साथ शेयर करिए, बुरा लगा तो डिसलाइक करिए, कमेंट करके बताइए, सजेशन दीजिए कैसे ठीक करेंगे, और टॉपिक्स बताइए आप लोगों को, कोई भी टॉपिक जो नहीं समझ में आएगा पिछले सेमेस्टर में उसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे, और अगर आगे कुछ सीखना चाहते हैं तो उसके लिए भी बताइए। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में टर्म्स के साथ में, जो लेवलिंग में बहुत सारे टर्म्स होते हैं, इतने टर्म्स बता दूंगा कि आप लोगों को अब उसके बाद और किताब खरीद के पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तब तक मिलते हैं, जय हिंद।